हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप वीडियो का थंबनेल देख के आए तो साथियों बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट खबर लेकर आया हूं। साथियों जैसा कि आप टीचिंग पोस्ट की वेट कर रहे होंगे तो अब आपका इंतजार काल खत्म होने वाला है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने, आपको काफी सारी टीचिंग पोस्ट इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे और आपको आपको बहुत खुशी होगी। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं, इससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं फ्री क्लासेस के लिए, फ्री स्टडी मटेरियल्स के लिए, फ्री नोट्स के लिए, हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी होगी बिल्कुल फ्री होगी, कई टीचर आपको दूसरे चैनल पर पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा एनवीएस, आपने सुना होगा एनवीएस, एनवीएस का मतलब होता है नवोदय विद्यालय समिति। तो इसके अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग की आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स इससे पहले आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो के अंदर हम काफी चीजें कवर करेंगे कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, इसके बाद क्या अदर स्टेट के जो ओबीसी हैं वो ओबीसी में काउंट होंगे, इसके बाद मतलब क्या क्या चीजें उसमें चाहिए, या मतलब कौन कौन सी आपको इसमें वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग की बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन हम खासतौर पे जो बात करेंगे टीचिंग की बात करेंगे, और नॉन टीचिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो नोटिफिकेशन है उसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं और वो वैकेंसीज टीजीटी और पीजीटी लेवल पे हैं। टीजीटी और पीजीटी लेवल पे टीचिंग की जो वैकेंसीज है, इसके बाद इसमें म्यूजिक की भी वैकेंसीज है और लाइब्रेरियन और मतलब इस टाइप की काफी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक जो आपका सवाल है आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि जो अदर स्टेट के ओबीसी हैं वो ओबीसी में काउंट होंगे या नहीं होंगे। तो साथियों ओबीसी में जितने भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं अदर स्टेट के, वो सभी ओबीसी में काउंट होंगे। एससी है वो एससी में ही काउंट होगा, एसटी है वो एसटी में ही काउंट होगा। इसके बाद आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं मैं, जो ये एनवीएस स्कूल होते हैं ये सिक्स के बाद होते हैं, तो इसमें पीआरटी की जो वैकेंसीज है आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं जो ये वैकेंसीज हैं तो किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज है, तो अभी आप पीजीटी की वैकेंसीज अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप इनका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके अपने सब्जेक्ट की वैकेंसीज देख सकते हैं, तो अभी आप देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये पूछ करके देख लिया होगा और नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। इसके बाद अभी आप टीजीटी की भी वैकेंसीज देख लीजिए कि आपके सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज हैं, तो आप देख लीजिए। चलो फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा, इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले जो पीजीटी की हम बात करेंगे, तो पीजीटी में जो मास्टर्स है आपको सबसे पहले मास्टर्स आपका होना चाहिए, 50% आपको उसमें मार्क्स आएंगे, लेकिन जो एसटी और एससी कैंडिडेट्स हैं उनको 5% की छूट मिलेगी। इसके बाद आपका जो बीएड होना चाहिए, इसके बाद में आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, तो इसमें सीटेट वगैरह सारा कंपलसरी है, सीटेट भी आपको चाहिए। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश आपके लिए होनी चाहिए, आप कंफर्टेबल होने चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने में। तो साथियों इसमें जो आयु सीमा है वो 40 वर्ष है, इसके बाद जो और कैंडिडेट्स हैं एससी या एसटी उनको आयु सीमा में छूट मिलेगी और ओबीसी को भी इसमें छूट मिलेगी। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं जो टीजीटी की पोस्ट है, तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और बीएड होना चाहिए, और इसके बाद इसमें एक चीज और है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में मतलब 3 ईयर्स आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो ये चीज भी इसमें कंपलसरी है। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं जो अदर टीचर्स हैं, जैसे आपके लाइब्रेरियन की बात करें या म्यूजिक वाले टीचर्स हैं उनके लिए बात करें, लेकिन उनके लिए सीटेट कंपलसरी नहीं है, और सारी जो चीजें हैं उनके लिए भी सेम है। इसके बाद हम साथियों बात करते हैं जो आपका टीजीटी हो गया पीजीटी हो गया, इनमें जो फी होगी आपकी एग्जाम फी वो आपकी 1200 होगी। इसके बाद जो ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे, तो ऑनलाइन फॉर्म आपको 10 जुलाई से 8 अगस्त तक आप फिल कर सकते हैं, 10 जुलाई से 8 अगस्त तक। और इसके बाद जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट है, जिस तारीख को एग्जाम हो सकता है, 5 से 10 दिसंबर के बीच में आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि बहुत कम टाइम में हमने काफी चीजें कवर कर ली होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए
या आपको लगता है कि वीडियो ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अपने इस चैनल को ग्रो कर सकता है। तो फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट आप ये सारी जो नॉलेज है दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।